टीम, आज हमारे सेंट्रल ऑफ काउंसिल के मेंबर्स और हमारे नौशाद साहब, हमारे मुनवरी बेगम साहब, वसीम साहब, हारून साहब, हमारे भाई हनी भाई और दरक्षा मैडम जो है कश्मीर के, वो भी डायनेमिक मैडम है, अब एक हफ्ते के अंदर चेयरमैन होने वाले हैं कश्मीर से। और मैं इन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग पहले भी हम 2001 से 4 तक थे चेयरमैन, तो उस टाइम पे जो है ना इतना डेलीगेशन ऐसा बार बार नहीं आया कभी भी सेंट्रल ऑफ काउंसिल का। मगर ये लोग हार्ड वर्क करते हुए, ये लोगों को एक फिक्र है कि वफ में क्या हो रहा, किधर क्या हो रहा, चेक करने के लिए। 4 साल जब बोर्ड था तो जब कोई नहीं फिरे, अभी ये टाइम पे जो है ना ये जो मेंबर्स है ये लोग को भी एक जुस्तजू है कि मतलब वफ में क्या हो रहा, कैसा, अच्छा हो रहा, ख़राब हो रहा, जो भी हो रहा, ये लोग देखने के लिए। फर्स्ट टाइम जो है ना मैं देखा कि 6 महीने में एक बार तो ये लोग की विजिट, साल के अंदर एक दो विजिट तो हो ही जाते हैं मतलब। तो मैं इन लोगों को भी मैं कंग्रेट करते हुए, मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि आइए हमारे पास तो दरबार, हमारा दरबार खुला है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है अल्लाह के करम से फ्री सर्विस दे रहे, क्योंकि ये वफ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसमें खयानत नहीं कर सकते। ये इसमें जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, अल्लाह ताला उतना अपने को नवाजेगा हर तरीके से। और ये लोग भी जो काम कर रहे हैं, मैं ये लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे पूरे सेंट्रल ऑफ काउंसिल के मेंबर्स को और हमारे मेंबर्स को सब मिलके जो है ना जो काम कर रहे हैं, मैं इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, करीब 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। इंडिया के कोई बोर्ड में ऐसा काम नहीं हुआ, यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हम, और कई कब्जे भी लिए हम बड़े बड़े लोगों से, लैंड माफिया से। हालांकि वो लोग मेरे को थ्रेट करने को देखे, मगर मैं डरने का सवाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। आज भी जो है ना मेरे को टारगेट बनाए हुए हैं पूरे, बना लो आप, मैं एक दिन भी रहूँगा तो मैं इससे पहले भी बोला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बैठे हुए हम, क्योंकि यहाँ पर कोई कमाने की जगह नहीं है। बिजनेस में अल्लाह मियाँ हमको देता है, जो भी देता है उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरी एक आवाम से भी अपील है कि आप लोगों को भी कुछ अगर गलत कहीं दिख रहा तो आप लोग मेंबर से हटके, मीडिया से हटके, मीडिया से भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी आके कंप्लेंट करिए, आप लोग भी आके हमको बोलिए, हम उस पर एक्शन लेते। अब हमारा गवर्नमेंट भी जो है स्टाफ कम है, हनी भाई जो बताए, नौशाद भाई बताए, स्टाफ कम है, मगर हम लोग 60 से 65 लोगों को डेली बेसिस पे भी लिए। फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद गवर्नमेंट DSP को दी, हमारे को पुलिस ऑफिसर को टास्क फोर्स में, जहाँ भी लैंड्स इंक्रोचमेंट है उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर रहे तो दूसरे इंस्पेक्टर लेवल के लोग सब सुनते हैं उससे, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को भी है। फिर हमारे CO एडिशनल CO है, मगर काम तो पूरा देख रहे हो अल्लाह के करम से, वो भी IPS ऑफिसर है, उन्होंने भी IPS को बोलना है, कमिश्नर को बोलना है, तो वो भी बोलते, हम भी बोलते, DG साहब को बोलते, कमिश्नर को बोलते, कलेक्टर से बात करते, RDO से, मैं खुद भी जो है डेली मॉनिटर करता हूँ। उससे हटके हमारे KCR साहब भी जो है पूरे कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जहाँ जहाँ भी वफ प्रॉपर्टी है, असेंबली में भी उन्होंने इंश्योरेंस दिए कि वफ प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल ऑटो लॉक करने के लिए जो है ना Jio तक निकला उसके बारे में। तो जब से तेलंगाना गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट आई, अल्लाह का करम ये है कि जितना हो सकता है पहले के बनिस्बत आज वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे, और सेंट्रल वफ काउंसिल की भी हेल्प लेके हम लोग और भी जो जो हो सकता है हम काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 MROs को दिए हमारे को गवर्नमेंट को, हम लोग रिप्रेजेंट देने के बाद 3 MROs को, एक DSP को दिए, 3 MRO भी है हमारे पास। और एडवोकेट्स जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल है वो लोग अगर केस हार जाते बोल के हम लोग क्या करें, सीनियर एडवोकेटों को भी लगा के हम लोग जो है ना बस केसों को हासिल कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस है, वहाँ भी हम लोग सीनियर एडवोकेट्स को लगाए। और अल्लाह का करम ये है कि ये बोर्ड बनने के बाद, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद पहली बार सेकंड सर्वे हुआ, जो 41,000 एकड़ लैंड सर्वे हो गई, उसके बाद में और 77,000 एकड़ हमारी लैंड है बोल रहे, मगर उसके लिए जो है ना हम लोग थोड़ा ये लॉकडाउन आने से 1.5 साल से जो है हम लोग रुक गए वहाँ पर, मगर इंशाल्लाह वो भी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारा बोर्ड 7 महीने है, 7 महीने में हम लोग जो है ना, जैसा मीटिंग 2 महीने में एक बार ऐसा हो रही थी लॉकडाउन में, मगर अभी महीने में 2 महीने में 2-3 मीटिंग करने की कोशिश करेंगे, उससे
काम भी जो है ना आगे बढ़ाएंगे उसको, हमसे जो हो सकता है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके। आज गवर्नमेंट की सपोर्ट है बोल के तो हम बहुत से प्रॉपर्टी हासिल भी कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि नहीं करके नहीं। जैसा कलेक्टर की सपोर्ट है हमारे को आज भी, और पुलिस की भी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना, सीएम साहब का खुद इंस्ट्रक्शन है वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है बोल के असेंबली में पूरी महफिल में सीएम साहब अनाउंस करे, उसके बाद में ज़रा ऑफिसर्स भी हमको सपोर्ट कर रहे। और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हमको बताइए जहाँ जहाँ भी कुछ इंक्रोचमेंट है, हमारे से जो हो सकता बराबर वो काम करेंगे और रुकाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे वक्फ बोर्ड में हम लोग फ्लाई बायबूथ का भी काम बाहर के बोर्ड में कर रहे नहीं कर रहे नहीं मालूम, ये वक्फ बोर्ड कर रहा है कैंसर पेशेंट को, लीवर, हार्ट, किडनी, कोविड, डायलिसिस, इसके लिए भी हम लोग यहाँ से पैसे देते हैं। कोई जल गए, कोई एक्सीडेंट होगा, और फ्लड में भी हम लोग जो है ना राइस का उस बोल के जो बोल के, फिर नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी करे हम लोग, 50,000 बुक तक दिए, मतलब कोविड में भी जो है ना 50,000 भी दिए, किसी को 25,000 भी दिए। तो हम लोग जितना होता वक्फ बोर्ड से मंशा है वक्फ के हिसाब से आज काम कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमको जैसा इनकम जनरेट होंगी, बहुत सारे किराएदार भी जो है ना, बड़े बड़े जगह जो है हमको किराया नहीं आ रहा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है ना लैंड्स पे कब्जे करे हुए, बड़े बड़े लोग है उसके अंदर, नाम नहीं बोलता भाई। तो ऐसे लोग भी जो है ना उसमें इन्वॉल्व होकर जो है ना वक्फ की इनकम को रोक रहे हैं, मगर हम बड़े से बड़ा आदमी रहें तो उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। सीनियर एडवोकेट्स को लगा के हम लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम ये करेंगे। और मेरी मेंबर्स से भी अपील है कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो भी लॉयर रहेगा दिल्ली में, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहब को ये करेंगे, हम वहाँ भी एक रिप्रेजेंट देंगे, वहाँ पर अपने एडवोकेट्स को भी लगा के हमारे केस को जो है ना प्रोटेक्ट करके हमारा केस जीतने के हिसाब में लाने के लिए हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट पूरी ऑनेस्टली काम कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट भी हमारे बोर्ड के साथ है। गवर्नमेंट केसीआर साहब के आने के बाद हम लोग बहुत से चीज़ें प्रोटेक्ट करें हम लोग, और बहुत से स्कीम्स भी लेके आए हम लोग। जी, और वैसे टास्क फोर्स भी रखे, नीचे 100 लोग मस्जिद अलमास के लिए से लेकर अलमास के लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लोग आए बोल के इन लोगों को शो ऑफ करने के लिए जो है आए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हमारे DSP वगैरह कलेक्टर से हम लोग बात करें, वहाँ काम रुका। अब ये लोग जो कोई भी आके प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, इन लोगों का काम ही है, मतलब ये लोग खुद इन्वॉल्व रहते हैं वो चीज़ों में, तो हम किसी को टारगेट बनाना नहीं चाह रहे। ये लोग खुद जो है धंधे पानियाँ करके वहाँ पर जो है ना ये कर रहे हैं, क्योंकि हम कल DSP कल कहाँ जाके CO साहब के यहाँ पे कुछ मसाइल चल रहे बोल के, तो क्या आप उस बात से इत्तेफाक करते? कौन सा CO साहब जो है बराबर वक्त यहाँ पे नहीं दे रहे? नहीं नहीं, CO साहब टाइम नहीं दे रहे एक अलग चीज है, अभी तो बोल दिया ना हम अपना एक। आप उस बात से इत्तेफाक रखते क्या साहब? कुछ नहीं, एडिशनल चार्ज है CO साहब का, मगर इंशाल्लाह आजकल में परमानेंट CO का भी हो जाएगा। समझा, बड़े लोगों की बात करें साहब, कौन है जो बड़े लोग जो वक्फ की जायदाद को खा? नहीं नहीं, किसी एक का नहीं बोल सकते ना, जननामा बोलो साहब। नहीं, एक नाम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सामने आ जाएंगे बाद में इंशाल्लाह ताला कार्रवाई करने के बाद। साहब आप यूटिलाइज सर्टिफिकेट